सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। एक शख्स गरीब नवाज के यहां अपनी मुराद लेकर आए। गरीब नवाज के आए तो समझना मुराद तो पूरी होनी होनी, जल्दी या देर से मगर होगी। असल चीज है निगाहे प्यार, उनकी शफकत की नजर। हाँ, एक शख्स आए और आने के बाद मुराद लेकर, लेकिन मुराद मांगने का तरीका उनका यह था कि वह गरीब नवाज की चौखट पे बैठ के कुरान पढ़ते थे, तिलावत करते थे। एक दिन, दो दिन, कई दिन गुजर गए, लेकिन मुराद पूरी नहीं होती। हर हम लोग तो ऐसे बेसब्रे हैं, बल्कि मैं खुद भी, इधर मुंह से निकला उधर फौरन पूरा होना चाहिए। मैं सोचता हूं नबी की मुराद पूरी होने में कभी कभी 50-50 साल गुजर गए। नबी की मुराद पूरी होने में 50-50 साल गुजर गए। बचपने में ख्वाब देखा था यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कि मुझे 11 सितारे, चांद और सूरज सजदा करते हैं। जब ख्वाब देखा था तो क्या उम्र थी? 10-11 साल की उम्र थी, बच्चे थे आप। और वो ख्वाब जब पूरा हुआ मिस्र में, तो आप बच्चों के बाप नहीं बल्कि बच्चों के दादा बन गए थे। जब कभी कभी नबी की मुराद पूरी होने में 50-50 साल का अरसा जाता है, तो अपनी मुराद पूरी होने में भी वक्त तो लग सकता है ना। लोग कहते हैं मेरी मुराद पूरी नहीं हुई। अरे मुराद पूरी हो गई, अब उसका जाहिर होने में वक्त लग रहा है। और एक बात याद रखना, मुसलमान जो दुआ करे अल्लाह उसकी हर दुआ कबूल करता है। दुआ आपकी कभी रद्द नहीं होती, अलबत्ता उसकी तीन शक्लें होती है। दुआ की पहली शक्ल यह है कि फौरन उसका असर जाहिर हो गया, तो आप उसको कहते हैं कबूल हो गई, फौरन असर जाहिर होता है। दूसरी ये कि हम दुआ करते हैं और हम पर कोई मुसीबत आने वाली होती है, तो ये दुआ जाकर उससे जंग करती है और वो दुआ मुसीबत को टाल देती है। ये उसकी दूसरी शक्ल है। और तीसरी शक्ल ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है इस दुआ को उठाकर आखिरत के खजाने में जमा कर दो। अब जब कयामत के दिन वो दुआ निकाली जाएगी जो आखिरत के खजाने में जमा की गई है, तो लोग हाथ मसलते हुए कहेंगे काश किसी दुआ का असर दुनिया में जाहिर ना हुआ होता और सारी दुआ खजाने में जमा होती, तो आज उसकी बरकतें हमें मिल जाती। तो आप तो यहां भी सब चाहते हैं, वहां भी सब चाहते हैं, लेकिन यह कि दुआ करते रहो। और एक बात आपसे कहता हूं, दुआ ज्यादा किया करो, क्योंकि दुआ क्या है? एक बात कहता हूं यार, कबूल हो ना हो इसको एक तरफ रखिए। क्या यह कम है कि अल्लाह ने हमें दुआ करने की तौफीक दी? क्योंकि यह दुआ क्या है? दुआ अल्लाह से हम कलामी करना है, दुआ अल्लाह से मुनाजात करना है। अल्लाह फरमाता है जब तक मेरा बंदा दुआ करता रहता है मैं उसके साथ रहता हूं, जब तक मेरा बंदा दुआ करता है मैं उसके साथ रहता हूं। मैं कहता हूं बंदे तू रोजी मांग रहा है, रज़ाक तेरे साथ हो गया, इससे बड़ी सआदत क्या है? मांग क्या रहा था, मिल क्या गया? क्या ये कम है? वल्लाह अगर दुआ माज अल्लाह कबूल ना भी हो, हालांकि मोमिन की दुआ कभी रद्द, उसके तीन दर्जे मैंने बताए, तो अल्लाह हमारे साथ हो जाए तो बताओ जितनी देर तक के खास माइयत अल्लाह की नसीब होती है कब? जितनी देर तक हम दुआ करते हैं। इसलिए दुआ करते रहा करो। तो बहरहाल अर्ज कर रहा था कि वो मांगता रहा, तिलावत करता रहा, लेकिन उसकी फरियाद पूरी नहीं हुई, उसकी मुराद पूरी नहीं हुई। थोड़ी ऐसे अय्याम गुजरे तो उसने देखा कि एक थोड़ा सा छोटा सा वाकया रूनुमा हुआ। छोटा सा वाकया ये था कि एक नचनिया आई और उस नचनिया ने कहा खाजा ये दे, खाजा मुझे ये दे। जैसी का खाजा मुझे ये दे, फौरन उसकी मुराद पूरी हो गई। इसको आया गुस्सा, किसको? जो तिलावते कुरान कर करके गरीब नवाज से मांग रहा था, उसको गुस्सा आया। उसने कुरान शरीफ उठाया, ताक में रखा और अपने दोनों हाथ गरीब नवाज की चौखट पे मारा, अपने दोनों हाथ गरीब नवाज की चौखट पे मारा और चौखट पे हाथ मार के क्या कहता है? खाजा तेरे यहां इंसाफ नहीं है। अब दीवानों का तो हाल ही कुछ भी है, वो तो कहते ही कुछ भी है।
तेरे इंसाफ नहीं है खाजा, कई दिन से पड़ा हुआ मैं यहां तुझसे मांग रहा था, मुझे नहीं दिया। वो नचनिया जो नाचती है गाने गाती है, उसने कहा खाजा दे, और दे दिया उसको, ये कह करके चला। जैसे ही जा रहा था गरीब नवाज का इहाता छोड़कर, सीरत निगारों ने लिखा है कि सामने से एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग, बड़े वजी और हसीन और जमील सामने से आते हुए नजर आए। उन्होंने खुद से सलाम किया और फरमाया बेटे कहां जा रहे हो? उनको भी उसने वही कहा या इंसाफ नहीं है, माजल्ला उसने कहा या इंसाफ नहीं है। क्या हुआ? इतने दिन से पड़ा पड़ा भीख मांग रहा था, कुछ नहीं दिया, एक नचनी आई का खाजा दे दे उसको दे दिया, इंसाफ नहीं, मैं जा रहा हूं। उस आने वाले बुजुर्ग ने, जिनका चेहरा बड़ा नूरानी था, मनमोहनी सूरत थी, दिलरुबा सूरत थी, उन्होंने कहा बेटे जा, तेरी मुराद भी पूरी होगी। जो मुराद लेके आया था, जब तुझे भी दे दिया गया, जब कहा कि जब तेरी मुराद पूरी होगी, कहा आप कौन है इतनी बड़ी बात कहने वाले कि तेरी मुराद भी पूरी हो गई, मुझे पता तो चले कि आप कौन है। तो मुस्कुरा के फरमाया जिसकी चौखट पे आया था मोइनुद्दीन, वही मोइनुद्दीन मैं हूं, वही मैं हूं जब तेरी मुराद भी पूरी हो गई। कदम पकड़ दिए, सरकार माफ करना, लेकिन ये बताएं कि उसको इतनी जल्दी दिया और मुझे इतनी देर लगाई। तो जवाब दिया बेटे दरअसल वो जो नचनियां आई थी ना गाने नाचने वाली, मैं उसको पसंद नहीं करता था, ना उसकी आवाज को पसंद करता था, ना उसको पसंद करता था, इसलिए उसने एक आवाज लगाई खाजा दे दे, मैंने दे दिया ताकि वो जल्दी से चली जाए, वो मेरी चौखट पे ना रुके, मेरी चौखट पे ना बैठे, जल्दी से चली जाए, मैंने दे दिया, चली गई वो। लेकिन चूंकि तू तिलावत करता था और तेरी आवाज बहुत खूबसूरत है और तेरी तिलावत मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं देने में देर कर रहा था कि जितना देने में देर करूंगा उतना तू बैठ करके तिलावत करेगा, तू तिलावत करता रहेगा मेरा दिल बहलता रहेगा, मैं तुझे रोके रखा था ताकि जल्दी नहीं दूंगा तो तू रुका रहेगा, तू यहां पर मौजूद रहेगा, क्योंकि मुझे तू पसंद बहुत है, तेरी तिलावत पसंद बहुत है। और कहा सुन, अब अगर तू जा रहा है, अब तवज्जे करना, गरीब नवाज की चौखट पर बेअदबी से घुसने वालों, गरीब नवाज के बामो दर को हाथ पैर मारने वालों, अब जरा ध्यान से सुनना। मुमकिन है कोई अक्ल का अंधा, कोई दिल का गंधा, जो सिर्फ अकल के तराजू पर हर बात करता है, वो तो कहेगा बुखारी में है, मुस्लिम में है, उनसे कहो बाबा बुखारी तो पहले लिखी गई गरीब नवाज से, अब उसको कहां से लाएं, उसको कहां से लाएं। तो हर बात बुखारी में नहीं होती, हर बात बुखारी में नहीं होती। और एक बात आपसे कहूं, हम इमाम बुखारी पर ईमान लाए हैं कि रसूलुल्लाह पर ईमान लाए, हम ईमान किस पे लाए? आप कहते हैं ये तो कहा बुखारी में दिखाओ, वो तो कहा बुखारी में दिखाओ, वो तो कहा बुखारी में दिखाओ। अरे नादान, तू नबी पे ईमान लाया है और बुखारी तक महदूद क्यों हो गया? होना तो ये चाहिए हम नबी पर ईमान लाए, हम किताब नहीं देखते, हम तो नबी का कौल देखते हैं। अगर हमारे नबी का कौल दीवार पे लिखा हुआ हो तब उसको भी मानने के लिए तैयार हो जाते, हमें किताब से क्या मतलब, हमें तो नबी के फरमान से मतलब है। बल्कि किताब की इज्जत इसलिए करते हैं कि उसमें फरमान मुस्तफा मौजूद है। सुभान अल्लाह, ये फिक्र होनी चाहिए, ये सोच होनी चाहिए। बहरहाल सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया तेरी मुराद तो पूरी हो गई, उसको जल्दी दिया वजह यह थी, तुझे देर से दिया वजह यह थी कि तेरी तिलावत मुझे पसंद थी। लेकिन जाते जाते एक चीज देखता जा, अपना कुर्ता हटाया पीठ से, कहा देख क्या है, तो देखा कि पीठ पर उंगलियों के निशान थे, पीठ पर उंगलियों के निशान मौजूद थे। उसने कहा हुजूर ये क्या है, आपकी पीठ पर किस गुस्ताख ने ये उंगलियों के निशान लगाए हैं? फरमाया ये तेरी उंगलियों के निशान है, तूने मेरी चौखट पे जो हाथ मारा था वो हाथ के निशान चौखट पे नहीं बल्कि मेरी पीठ पर पड़े। ये सरकारे गरीब नवाज रदी अल्लाह ने बताया और फरमाया आज हम आते तो हैं लेकिन क्या वाकई हम इस अंदाज से आते हैं?
कि गरीब नवाज की निगाह रहमत पड़े, निगाह शफकत पड़े, निगाह प्यार पड़े। हम तो अल्लाह अकबर, ना नेकियों का ख्याल ना गुनाहों का ख्याल।